sound stopped as soon as he moved. He could see nothing, so he took one step forward to get a better view, and immediately found himself in front of an enormous black snake. Okay, so वहाँ पे जो है when he come out of his nest, जब वो उस nest से बाहर आया, he stopped and looked around, उसने आसपास देखा और तो उसे वो कोई वो देख रहा था कि वो sound वो कौन create कर रहा था, but he is not able to see anyone. He could see nothing, वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था. He took one step ahead, वो एक step आगे आया देखने के लिए ताकि उसे better view मिल सके कि कौन है वो और उससे उसने क्या देखा कि कौन था वो एक enormous black snake. Enormous मतलब था very large in size, एक बहुत बड़ा सा black snake. Mammy, help me, mammy! Red screamed in terror as the snake darted at him. Red जब उसने snake को देखा तो snake जो है वो quickly उसकी तरफ आ गया. Darted मतलब move suddenly and quickly. तो snake जो है वो उसकी तरफ suddenly आ गया और red जो है वो उसकी मदर को आवाज लगाने लग गया हेल्प के लिए और टेरर में मतलब वो काफी डर गया. टेरर मीन्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट फियर. इन फियर वो अपनी मम्मी को आवाज लगाने लग गया. अभी हम लोग भी जब भी हमको ज्यादा डर लगता है तो हम किसको आवाज लगाते हैं? मम्मी को. तो ही इज ऑल्सो कॉलिंग हिज मदर. ही ट्राइड टू रन अवे विथ ऑल द स्ट्रेंथ इन हिज टाइनी लिम्स. और वो वहां से जितनी भी उसमें स्ट्रेंथ थी वो सब लगा के वहां से रन करने लगा, वहां से भागने लगा. बट इन अ फ्लैश द स्नेक हैड हिम by one ear and secured the baby bunny in its coil. But in a flash means very quickly, काफी quickly उस जो snake है उसने उसे one ear से पकड़ लिया था. Had him by one ear means held him tightly by the ear. उसने उसे tightly एक ear से पकड़ लिया and secured the baby bunny in its coil. Secured means got a tight hold on. उसने काफी tightly उसको जो baby bunny है, bunny means जो rabbit के child होता है उसे bunny बोलते हैं. तो उस bunny को उसके कॉइल्स में पकड़ लिया. कॉइल्स मीन्स रिंग्स दैट स्नेक फॉर्म, वो रिंग्स जो स्नेक फॉर्म करता है. मैमी मैमी गैप्स पुअर लिटिल रेगुलो. जो रैग है वो उसकी मदर को आवाज लगाने लगा. वो काफी उस गैस्ट मतलब होता है ब्रेथेड डीपली एंड क्विकली थ्रू द माउथ बिकॉज ऑफ सरप्राइज और शॉक. और वो क्योंकि ब्रेथ प्रॉपरली ले पा रहा था, वो उसने उसके कॉइल्स में उस स्नेक ने पकड़ लिया था, तो वो अपनी मदर को काफी शॉक और फियर में आवाज लगा रहा था. द लिटिल वन क्राइस्ट वुड हैव स्टॉप्ड सून व्हेन बाउंडिंग थ्रू द वर्ड्स स्ट्रेट एज एन एरो केम मैमी. और जो जो लिटिल वन था, जो रैग था, वो कब चुप हुआ जब उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो स्ट्रेट एक एरो की तरह मतलब एक एरो चलाते तो जैसे वो स्ट्रेट आता है ना उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही उसकी मदर जो है वो उसकी तरफ रन करती हुई आ रही थी. बाउंडिंग मतलब रनिंग और वॉकिंग विद लॉन्ग स्टेप्स. She was no longer the shy and helpless little Molly Cottontail. और वो पहले की तरह जो shy और helpless सी दिखती है ना Molly, वैसी नहीं मतलब जो शर्मीली और जिसको help के लिए दूसरों की जरूरत पड़े वैसी नहीं, बिल्कुल strong Molly जो है वो ऐसी दिखती हुई आ रही थी. Mother's love was too strong for that. और उसका मदर जो लव है उसने उसे काफी स्ट्रांग बना दिया था. The cry of her baby had filled her with the courage of a hero. और उसके जो बेबी जो उसके चाइल्ड की जो क्राय है जो उसका रोना है उसने उसे कैसे करेज से भर दिया था, एक हीरो की जैसे मतलब वो किसी से भी लड़ सकती थी उसमें तक करेज आ गया था. हु शी जंप्ड ओवर द स्नेक एज इट ट्राइड टू अटैक हर. व्हैक शी स्ट्रक द स्नेक विद अ शार्प क्लॉज. ओके सो हु इज अ साउंड क्रिएटेड व्हेन शी जंप्ड ओवर द स्नेक. जब उसने जंप करा स्नेक पे, जब स्नेक उसे अटैक करने की कोशिश कर रहा था. एंड वैक इज अ साउंड जब वो उसने अपने क्लॉज से क्लॉज मतलब उसके पंजे से उसे मारने की कोशिश करी तब वैक साउंड निकला. स्ट्रक मतलब होता है हिट फोर्सिवली. उसने बिल्कुल फोर्स के साथ उस स्नेक पे अटैक करा. इट वॉज सच अ हार्ड हिट दैट द स्नेक ट्विस्ट इन पेन एंड हिस्ट विद एंगर. और वो जो है उसने इतने हार्डली उसे फोर्सफुली उसे हिट करा जो स्नेक है उसने वो ट्विस्ट कर गया मतलब वो हिलने लगा और पेन के कारण. और वो हिस्ट विद एंगर मतलब जो साउंड निकालता है ना स्नेक हिस्ट मीन्स मेक अ शार्प सिबिलेंट साउंड एस ऑफ द लेटर एस. तो जो उसका साउंड वो निकालने लगा एंगर में. मैमी लिटिल रैग क्राइड वीकली. तो जो रैग जब वहाँ पे फंसा हुआ था वो उसकी मदर को आवाज लगाता है वीकली मतलब काफी रोते हुए उसे आवाज लगाता है. मैमी लिफ्ट अगेन एंड स्ट्रक हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर अंडर द स्नेक लेट गो ऑफ द लिटिल वन्स ईयर्स. और जो मदर है मॉली है उसकी मदर वो लगातार उस पर स्नेक पे अटैक कर रही थी
अगेन एंड अगेन, तब तक जब तक वो उसे उसके ईयर को जो है वो छोड़ना दे, क्योंकि उसके ईयर में उसके ईयर को उसने पकड़ रखा था ना, तो उसके ईयर को छोड़ना दे तब तक वो उसे अटैक करती गई। इट ट्राई टू बाइट मॉली इंस्टेड, बट द स्नेक ओनली गॉट अ माउथ फुल ऑफ फर। और जो स्नेक है उसने रिटर्न मॉली को बाइट करने की कोशिश करी, पर उसे सिर्फ क्या मिला, एक माउथ फुल ऑफ फर, मतलब उसके माउथ में सिर्फ उसके फर आ पाए, वो उसे बाइट नहीं कर पाया। द स्नेक वॉज बिगिन टू लूज द बैटल, इट लॉस इट्स टाइट होल्ड ऑन बेबी रैग। रैग ब्रिंक्ड आउट ऑफ द स्नेक्स कॉइल्स एट वंस एंड डार्टेड अवे विद इन टू द बुशेस। जो स्नेक है वो अब क्या करने लगा, वो हारने लगा था। जब जो उनकी फाइट चल रही थी उसमें स्नेक जो है वो स्टार्टेड टू लूज द बैटल, और जो रैग है जो जो उसने टाइटल से होल्ड कर रखा था उस वो भी उससे धीरे धीरे छूटता गया। तो रैग जो वो रैग व्रिंगल्ड, व्रिंगल्ड का मीनिंग ट्विस्ट एंड टर्न विथ क्विक मूवमेंट, वो क्विक मूव करते हुए उसने वहाँ से जल्दी टर्न करके वो उसकी जो उसने पकड़ रखा था वहाँ से बाहर निकल गया स्नेक की कॉइल में से, और वो जल्दी से डार्टेड अवे इनटू द बुशेस, मतलब जल्दी से वो क्विकली बुशेस के अंदर छुप गया। ही वाज आउट ऑफ ब्रेथ एंड टेरिबली फ्राइटेंड, वो जो है वो आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब था गैस्पिंग फॉर एयर, मतलब वो वहाँ पे फंसा हुआ था, तो ही इज नॉट एबल टू ब्रेथ प्रॉपरली। तो वो उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रेथ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया था, एंड ही इज टेरिबली फ्राइटेंड, और वो काफ़ी डर गया था। टेरिबली फ्राइटेंड मतलब काफ़ी वो डर गया था। ही हैड लॉस्ट अ बिट ऑफ हिज लेफ्ट ईयर, बट ही वॉज अदरवाइज अनहर्ट। उसका जो उसने जो इतनी जोर से उसका ईयर पकड़ा था, उसकी वजह से उसकी ईयर पे कुछ चोट लग गई थी, बाकी उस बाकी कहीं पे भी वो हर्ट नहीं हुआ था। ही इज अनहर्ट। वंस रैग लुक वॉज फ्री, मॉली हैड नो विश टू कीप फाइटिंग। रैग जो है वो फ्री हो गया था, उसके बाद मॉली जो उसकी मदर है उसे फाइट को कंटिन्यू करने का कोई विश नहीं थी, वो अब चाहती थी वो फाइट को रोक दे। शी होप्ड ओवर टू वेयर रैग वॉज हाइडिंग व्हाइल द स्नेक स्लोली शेल्टर्ड अवे इनटू द जंगल। शी होप्ड मतलब पास क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। तो जो मॉली है वो उसने फाइट छोड़ के वो जल्दी से वहाँ से क्विकली मूव होके रैग जहाँ पे बुशेस में छुपा हुआ था, जहाँ पे हाइड करा हुआ था, वो वहाँ पे चली गई। और जो स्नेक है वो भी क्योंकि उस फाइट में वो हार लगा था तो वो भी डर गया था और वो भी जंगल की तरफ चला गया। शेल्टर्ड का मतलब था मूव स्मूथली ओवर सरफेस, वो भी धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। आर यू ऑल राइट रैग, शी आस्क्ड फीलिंग वरीड। वो जो है वो बिकॉज शी इज अ मदर, वो काफ़ी डर गई थी अपने चाइल्ड के लिए, तो काफ़ी वर्ड थे। और वो रैग से पूछते क्या तुम ठीक हो रैग, आई एम सॉरी आई लेफ्ट द नेस्ट मैमी, रिप्लाई लिटिल रेगुलो। जो तो जो रैग है जो हमारा छोटा सा रैग है वो मामा को सॉरी बोलता है कि मैं आपकी बात नहीं मारी, मैंने नेस्ट छोड़ दिया उसके लिए, आई एम सॉरी मम्मी। आई एम ग्लैड यू आर नॉट हर्ट, नाउ कम फॉलो मी, सेड मॉली जेंटली। वो जो मॉली है वो उसे धीरे से बोलती है कि जेंटली क्या कोई बात नहीं, मैं बस खुश हूँ कि तुम्हें हर्ट नहीं हुआ, तुम्हें कहीं नहीं लगी है, आई एम हैप्पी फॉर दैट, अब चलो मुझे फॉलो करो। देन विद अ जायंट ली मॉली डिसअपीयर्ड इनटू द वुड्स। और वो एकदम से उसने काफ़ी लंबा जंप मारा और जो मॉली है वो वुड्स में मतलब जंगल की तरफ वो डिसअपीयर हो गई, मतलब वहाँ पे खो गई। रेगुलर फॉलोड द शाइनी बेकॉन ऑफ हर स्नो वाइट टेल अंटिल शी लेड हिम टू अ सेफर कॉर्नर ऑफ स्वैम्प। बेकॉन का मतलब होता है लाइट दैट वर्क्स लाइक अ सिग्नल। ओके, तो रेग जो है वो भी उसके फॉलो करते हैं, उसके जो बेकॉन मतलब उस जो लाइट उसके जो स्नो वाइट टेल थी, जो वो कॉटन छोटी कॉटन बेल जैसे जो उनकी टेल होती है ना, उससे उसमें से जो वो लाइट जब वो भाग रही थी तो उसकी मूवमेंट से वो लाइट प्रोड्यूस कर रही थी, उस लाइट को देखते हुए जो रैग है वो उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए उसे चला गया। और वो कहाँ जाकर रुके, एक सेफ कॉर्नर के स्वैम्प के, ताकि वो नया नेस्ट बना सके, वहाँ पर रह सके। ओके, नाउ हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर, लेट अस रीड अबाउट द राइटर ऑथर ऑफ द स्टोरी, दैट इज अर्नेस्ट थॉमसन सेटन। 1868-1946 वॉज एन इंग्लिश ऑथर, वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट एंड वन ऑफ द फाउंडिंग पायनियर्स ऑफ द बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो अर्नेस्ट थॉमसन सेटन और ई टी सेटन जो है उनका बर्थ 1860 और उनकी डेथ 1946 में हुई थी। वो एक इंग्लिश ऑथर थे, मतलब इंग्लिश में जो पोइट्स पोइट्री लेसन चैप्टर वगैरह ये सब लिखते थे। वो एक वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट भी थे, मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी काम करते थे, और एक फाउंडिंग पायनियर्स भी थे बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका के। मतलब पायनियर्स होता है अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर और सेटल अ न्यू कंट्री और एरिया।
जो मतलब उस एरिया में जो वो स्टार्ट कर रहे थे वो वहाँ पे काफ़ी न्यू थे। ओके, बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका जो है एक मिशन है जो स्टार्ट किया गया था ताकि जो यंग पीपल है उन्हें एथिकल और मॉरल चॉइसेस जो लाइफ में वो रहते हैं उनके लिए उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सके एथिकली और मॉरली। ओके, तो वो उसके वन ऑफ द फाउंडर थे। His famous books about Scouting include The Birch Bark Roll of the Woodcraft Indians 1906 and The Boy Scout Handbook 1910। ओके, सो जो दो फेमस बहुत फेमस बुक है स्कॉटिंग पे जो मॉरल और एथिकल यंग पीपल के लिए जो बुक्स बनाई थी उन्होंने, उनमें से दो उनकी बहुत फेमस बुक है द ब्रिज बार्क रोल ऑफ द वुडन क्राफ्ट इंडियंस जो उन्होंने 1906 में लिखी थी और द बॉय स्कॉट हैंडबुक जो उन्होंने 1910 में लिखी थी। सेटन वॉज ऑल्सो एन अर्ली पाइनियर ऑफ द मॉडर्न स्कूल ऑफ एनिमल फिक्शन राइटिंग इज मोस्ट पॉपुलर वर्क बींग वाइट एनिमल्स आई हैव नोन 1898। ओके, और सेटन जो है जो ये ऑथर है हमारे, ये इन्होंने जो मॉडर्न स्कूल में एनिमल फिक्शन राइटिंग होती है जो एनिमल्स के बारे में फिक्शन स्टोरीज वगैरह स्टार्ट करी थी लिखना, उसके भी ये वन ऑफ द पर्सन थे जो फील्ड में नए नए थे। और उनकी एक पॉपुलर बुक कौन सी है, वाइल्ड एनिमल्स आई हैव नोन, जो उन्होंने 1898 में लिखी थी, उसी बुक का जो एक एडॉप्टेड मतलब ये जो चैप्टर है उसी बुक में से अडॉप्ट करा गया, उसी बुक में से लिया गया है। ओके, थैंक यू।